नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पूरा देश आज इस बात से दुखी है विनेश फोगाट को जिस तरह ओलंपिक फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई किया गया। कई सारे सवाल हैं, कई नेता साजिश का आरोप लगा रहे हैं, कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जो सपोर्ट स्टाफ है उसने क्या किया, विनेश फोगाट की डाइट का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। जब इतना ज्यादा स्टाफ रखा गया है तो वो क्या कर रहा था। कई सारे पब्लिक के सवाल हैं। विपक्ष ने आज संसद में हंगामा किया और सरकार से जवाब जानने की कोशिश की। कहा गया कि खेल मंत्री 3 बजे आकर जवाब देंगे, लेकिन खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐसा जवाब दिया जो दिखाता है कि जवाब कम दिया जा रहा है, एहसान ज्यादा दिखाया जा रहा है। मनसुख मांडविया ने क्या कहा वो आगे आपको सुनाएंगे। पहले आपको बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का जवाब सुनाते हैं। हेमा मालिनी से जब विनेश फोगाट के बाहर होने को लेकर सवाल पूछा गया तो ओवरवेट होने को लेकर हेमा मालिनी कैसा बचकाना जवाब देती हैं, जो दिखाता है कि कैसे कैसे लोग हमारी संसद में पहुंच जाते हैं जिन्हें इतना सामान्य ज्ञान तक नहीं है। मुस्कुराकर जवाब दे रही, पूरा देश दुखी है और मुस्कुराकर वो ऐसे जवाब देती हैं मानो कोई हेल्थ टिप्स दे रही हैं। क्या कहती है हेमा मालिनी, जरा मैं ऑडियो सुनाता हूँ हेमा मालिनी का, क्या जवाब दे रहा सुनिए। ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई तो कितना मतलब कितना महत्व है अपना वेट को वजन को ठीक से रखना। तो हम लोग तो इससे जरा अच्छा सीख मिलना चाहिए हम सब कलाकारों को और महिलाओं को सबको कि 100 ग्राम ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो वी फील वेरी सैड फॉर हर, आई विश शी लूजेस दैट 100 ग्राम क्विकली, लेकिन मिलेगा नहीं अभी। तो हेमा मालिनी एक तरह से मजाक करती हैं कि मैं उम्मीद करती हूं कि 100 ग्राम जल्द ही वो लूज कर जाए, लेकिन अब तो कुछ मिलेगा नहीं। साथ ही ये भी कहती हैं कि महिलाओं के लिए कलाकारों के लिए सीख है कि 100 ग्राम भी कितना मैटर करता है। ऐसे ऐसे लोग सांसद बनकर पहुंच जाते हैं संसद में जिन्हें इतना सामान्य ज्ञान तक नहीं है और ये समझ नहीं है कि किस मौके पर क्या बोलना चाहिए। सीख बता रही हैं, खिलाड़ियों के साथ ये साधारण बात है। बहुत सारे खिलाड़ी ओवरवेट हो जाते हैं, रोजाना में वेट मैनेज करना पड़ता है बाउट से पहले, ये बहुत साधारण बात है। सपोर्ट स्टाफ की जिम्मेदारी होती है कि वो उनकी बातों का ध्यान रखे। लेकिन विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ, उन्हें खाने पीने में क्या दिया गया, देश इन सवालों का जवाब जानना चाहता है। और खेल मंत्री जब संसद में इस मुद्दे पर बोले तो क्या कहते हैं जरा सुनिए। विनेश 50 kg की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 kg 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उससे कहा गया है। तो खेल मंत्री संसद में बताते हैं कि विनेश फोगाट का वजन सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा था। सोशल मीडिया पर कुछ ट्रोल गैंग के लोग ये भी फैला रहे हैं कि देखिए 2 किलो से ज्यादा ओवरवेट थी। तो खेल मंत्री ने साफ कर दिया कि आखिर में आते आते 100 ग्राम ही वजन ज्यादा था। इसके बाद खेल मंत्री जवाब देने की बजाय कि ये ज्यादा कैसे हुआ, देश ये जानना चाहता है कि ज्यादा वेट कैसे हुआ, उसका कोई जवाब नहीं दिया और पैसे गिनाने लगे कि विनेश फोगाट पर सरकार ने कितना खर्चा किया है। क्या कहते हैं जरा सुनिए। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोस कोच के रूप में उसके साथ थे। वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया
स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर, इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-सू-मेर में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ सेकंड रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता की है। स्ट्रेंथ और एयर कंडीशनिंग कोच मिस्टर वाइने पैट्रिक लोम्बार्ड के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जून से 21 जून 2024 11 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता की है। 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में 4th रैंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 16 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में प्रशिक्षण शिविर हेतु इसको वित्तीय सहायता की है। वेमनेकेन बुल्गेरिया में 10 11 2022 से 3 12 2022 तक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी है। उनके रिहाय प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता की गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया। दोस्तों, क्या खेल मंत्री से किसी ने इस बात का जवाब मांगा था कि विनेश फोगाट पर कितना खर्चा किया गया, कम किया गया या ज्यादा किया गया? तो जवाब ये देने की बजाय कि ओलंपिक में हुआ क्या है विनेश फोगाट के साथ, खेल मंत्री पैसे गिना रहे हैं। एक तरह से एहसान जताया जा रहा है कि देखिए हमने तो इतना खर्चा किया था, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। तो ये सफाई अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। देश की सरकार को जवाब ये देना चाहिए कि आखिरकार ओलंपिक में क्या चूक हुई है। हम ये आरोप नहीं लगाते कि कोई जानबूझकर साजिश की गई है, लेकिन कोताही तो बरती गई है कम से कम, और किससे ये लापरवाही हुई है इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार पैसे गिना रही है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।